बुलबुल बुलबुल नेटफ्लिक्स की एक हॉरर ड्रामा मूवी है जिसको डायरेक्ट किया है अन्विता दत्त ने और इस मूवी में मेन लीड किया है अविनाश तिवारी, तृप्ति बिमरी, पोली दम और राहुल बोस ने। मूवी की स्टोरी 80s की है जब बुलबुल की शादी उसके बचपन में ही उससे काफ़ी बड़े आदमी से करा देते हैं और फिर बुलबुल की लाइफ में ट्विस्ट तब आता है जब उसके हस्बैंड को एक चुड़ैल मार देती है। उसके बाद जो भी बुलबुल के लाइफ में होता है वो आप इस मूवी में ही देख पाओगे। तो चलिए बिना किसी देरी के बात करते हैं इस मूवी के पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स के बारे में। इस मूवी में हॉरर, सस्पेंस, थ्रिलर, ड्रामा, ह्यूमर और जो भी मूवी में होना चाहिए वो कुछ भी नहीं है। और जब इस मूवी को आप देखोगे तो बस यही सोचोगे कि नेटफ्लिक्स भी हकता है क्या। मतलब अगर आपने बचपन में भूतों के सपने या भूतों की कहानियां सुनी होगी ना तो वो भी इस मूवी से ज्यादा डरावनी है। एक काम करो, आप पहले ये वीडियो देख लो। ये वीडियो भी इस मूवी से ज़्यादा डरावनी है और ज़्यादा हॉरर है, ज़्यादा इसमें थ्रिल है। बुलबुल मूवी के स्टार्टिंग के 15 से 20 मिनट अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि चुड़ैल कौन है, मूवी किधर जाने वाली है और मूवी का एंड क्या होगा। मूवी के डायरेक्टर से मैं बस ये पूछना चाहूँगा कि आपको अगर वैम्पायर और चुड़ैल में फ़र्क नहीं पता तो मैं बताता हूँ कि ये है वैम्पायर और ये है चुड़ैल, ये है चुड़ैल और ये है वैम्पायर। हाय, ये चुड़ैल वैम्पायर। और इस मूवी की सबसे बेकार बात मेरे को ये लगी है कि शायद जब इस मूवी की एडिटिंग चल रही होगी तब पास में ही मिस्टर इंडिया चल रही होगी तो एडिटर को लग गया होगा कि लाल लाइट में जैसे मिस्टर इंडिया दिखता है वैसे ही हम भी लाल लाइट डाल देंगे कि लोगों को हमारी मूवी में चुड़ैल दिखेगी, मतलब वैम्पायर दिखेगा, वैमचू दिखेगा, हम लोगों को, ऑडियंस को वैमचू दिखेगा और लोग डरेंगे। तो मैं बस यही बोलना चाहूँगा कि यार इतनी लाल लाइट डाल के तुम साबित क्या करना चाहते हो। इस मूवी में एक्टर परफॉर्मेंस के नाम पे, थ्रिलर के नाम पे, हॉरर के नाम पे मेरे को पर्सनली ये मूवी बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। मैं आपको भी यही बोलूंगा कि इस मूवी को अवॉइड कर दो, इस मूवी पे अपना टाइम वेस्ट मत करो। और अगर आपने ये मूवी देख ली हो तो प्लीज़ कमेंट में अपना ओपिनियन ज़रूर देना। मेरी आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, वैम चीज़।